हम चाहते हैं कि पेज हमारा यही पेज ओपन रहे और हम बैकएंड में रिक्वेस्ट भेज दें और पेज पे कुछ चेंजेस भी ना करें, पेज रिफ्रेश भी ना हो। तो ये काम हम कर सकते हैं अजैक्स की हेल्प पे, और हम यूज़ करने वाले हैं जे क्वेरी अजैक्स को ऐड करने के लिए। तो हम लोग अपने साइनअप पेज में चलेंगे। चले हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग अपने साइनअप पेज में चलेंगे और यहाँ पे कल हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वीडियो में क्या किया था, हम लोगों ने जे क्वेरी की लाइब्रेरी यहाँ ऐड की थी और जे क्वेरी चल भी रही थी। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम ये जो फॉर्म है ना, हम सबमिट करने का इवेंट यहाँ पे कैच करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉलर और अपने फॉर्म को पकड़ेंगे। तो फॉर्म की एक आईडी दे देते हैं ऊपर चल के। तो हमारा फॉर्म ये है, इस फॉर्म की एक आईडी दे देते हैं आईडी, और हम कहते हैं हमारी फॉर्म की आईडी है माई फॉर्म। और हम इस फॉर्म को अब यहाँ पे ग्रैप कर सकते हैं हैज़ माई फॉर्म, और हम कहेंगे ऑन, और हम यहाँ पे इवेंट पास कर देंगे सबमिट। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप सबमिट करोगे ये एक कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लेगा, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ये वाला फंक्शन कॉल कर लेगा और ये एक इवेंट का ऑब्जेक्ट मुझे दे देगा। तो जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे इवेंट का ऑब्जेक्ट दे देगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस फॉर्म को दूसरे पेज दूसरे सर्वलेट पे जाने से रोकूंगा, और रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अगर आपने इतना कोड लिख दिया ना, तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर है उसको रोक देगा और फॉर्म आपका दूसरे पेज पे नहीं जा पाएगा। और मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने फॉर्म की सारी डिटेल निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा वेयर, और वेयर में एफ वेरिएबल एक लिखूंगा, एफ नाम का वेरिएबल बना लूंगा, और उसके बाद मैं लिखूंगा दिस, दिस मीन्स योर फॉर्म, जो आपने एलिमेंट यहाँ पे पकड़ा हुआ है, फॉर्म डॉट सीरियलाइज। मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को एक पूरे फॉर्म में, पूरे फॉर्म को सीरियलाइज कर लूंगा, दैट मीन्स एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा जिसमें की वैल्यू पेयर में एलिमेंट्स रखे होंगे। इस एफ स्ट्रिंग को देखना भी है तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एफ प्रिंट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे कंसोल पे दिख जाएगी ये वाली एफ वाली स्ट्रिंग। इसमें बेसिकली की वैल्यू होगा, सबसे पहले पहले फील्ड का नाम होगा, उसकी वैल्यू होगी, फिर एंड लगा होगा, दूसरे की का नाम होगा, दूसरे की वैल्यू होगी, जिससे कि डेटा ट्रांसफर हो जाए आसानी से दूसरे सर्वर, दूसरे पेज पे। अब वो पेज सर्वलेट हो सकता है, जेएसपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स भेजने की कोशिश करेंगे अपने सर्वलेट पे। तो हम यहाँ पे अजैक्स रिक्वेस्ट मारेंगे, हम लिखेंगे डॉलर और डॉलर के बाद लिखेंगे अजैक्स फंक्शन। और अजैक्स फंक्शन इसको जब आप इसको कॉल करेंगे तो ध्यान देखेंगे, ध्यान दे के कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने डॉलर लिखा है और फिर डॉट लगाया है, बाकी जगह मैंने डॉट नहीं लगाया है अजैक्स। और आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट देना है, तो आप यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिए। अब इसमें कुछ आपको रिक्वायर्ड वैल्यू देनी है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है उसका, वो है यूआरएल, और यहाँ पे आप किस सर्वलेट पे डेटा भेजना चाहते हो। तो मैं भेजना चाह रहा हूँ रजिस्टर सर्वलेट पे, रजिस्टर सर्वलेट का यूआरएल, और बेसिकली ये हमारा यही वाला ये देखिए यही वाला एक्शन है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली पास कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा चीज है डेटा, कौन सा डेटा आप भेजना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, डेटा में हम पास कर देंगे अपनी स्ट्रिंग एफ, और उसके पास आप टाइप पास कर दिए, ये टाइप पोस्ट का होगा, मतलब ये रिक्वेस्ट जो होगी वो पोस्ट के फॉर्म में जाएगी। एंड लास्ट चीज आप एक सक्सेस वाला वेरिएबल पास कर दीजिए। तो होगा क्या, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, दैट मीन्स पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा सर्वर पे, सर्वलेट पे, सर्वलेट पे आप काम कर लोगे और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनकेस अगर एरर आती है तो आप एक एरर फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, अगर एरर आएगी तो एरर चल जाएगा। कुछ उस रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग के दौरान अगर कोई एरर आ जाती है तो ये वाला पेज चलता है, ये वाला फंक्शन चलता है, और अगर सक्सेस आएगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक मैसेज दे दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ डेटा प्रिंट करूंगा, जो डेटा आप वहाँ से प्रिंट करोगे सर्वलेट से वो इस डेटा वाले वेरिएबल में आ जाएगा, तो इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। एंड द नेक्स्ट चीज़, हम लोग यहाँ पे एक मैसेज देंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिखेंगे सक्सेस, दैट मीन्स हमें पता चल जाए कि सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली मैं नीचे वही करूँगा, डेटा प्रिंट करूँगा, लेकिन उसके बाद सक्सेस की जगह मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, एरर प्रिंट कर दूंगा, एरर। और हम लोग क्या करेंगे, आएंगे और रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को,
और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कंसोल ओपन कर लो, क्योंकि जो मैसेजेस वगैरह आएंगे वो सारे कंसोल पे आएंगे, क्योंकि मैंने हर जगह देखे क्या यूज़ किया, कंसोल डॉट लॉग, दैट मीन्स मैसेजेस आपके कंसोल पे आने वाले हैं। तो हम कहीं भी पेज पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कंसोल हमारा ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और इस कंसोल पर क्लिक करता हूँ, तो पेज इज़ रेडी है। हम लोग यहाँ पे कुछ फिल करते हैं, लेट अस सपोज हम फिल करते हैं टेस्टिंग, और यहाँ पे पासवर्ड कुछ ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं testing@gmail.com, और हम क्या करेंगे सबमिट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा इस तरफ, तो जैसे मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये प्रिंट हुई है आपकी सीरियलाइज जो हमने किया था, और वो सीरियलाइज करके एफ वाले वेरिएबल में डाला था, तो ये बेसिकली प्रिंट हुई है। देखिए यूज़र नेम टेस्टिंग एंड एंड लगा, फिर यूज़र पासवर्ड दिस एंड फिर यूज़र ईमेल दिस, दैट मीन्स ये एफ की वैल्यू है। और उसके बाद रिक्वेस्ट गई है, और रिक्वेस्ट जाने के बाद उधर से आपने देखिए ये प्रिंट किया था, दैट मीन्स सर्वलेट आपका ये सारी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, और यहाँ रजिस्टर सर्वलेट रजिस्टर प्रिंट कर रहा है, और बॉडी टैग के अंदर देखिए टेस्टिंग पासवर्ड एंड ईमेल प्रिंट कर रहा है, डन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए सक्सेस आ रहा है, दैट मीन्स हमारा डेटा पहुँच चुका होगा। देखिए यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए टेस्टिंग आ चुका है, ABC आ चुका, टेस्टिंग आ चुका, दैट मीन्स ये अजैक्स के कॉल किए हम लोगों ने, अजैक्स एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, दैट मीन्स आपका पेज वहीं पे कोई पेज रीलोड नहीं हो रहा है, और आपने रिक्वेस्ट भी भेज दी बैकएंड में, रिक्वेस्ट चली भी गई, सर्वलेट चल भी गया, और सर्वलेट ने रेस्पॉन्स भी दे दिया, वो रेस्पॉन्स यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है इस, अब क्योंकि यूज़र को तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि यूज़र तो ऐसा देखेगा सबमिट किया क्या हुआ कि नहीं, क्या नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस चीज़ को और अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने हेडिंग दिया था यहाँ पे, उसके नीचे यहाँ पे एक चीज़ मैं और लगाऊंगा, हेडिंग हमारी कहाँ, ये हेडिंग है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा H5 टैग, और दिस इज सक्सेस, तो मैं इसकी एक आईडी दे दूंगा, सक्सेस मैसेज, सक्सेस या सिर्फ मैसेज लिख देते हैं, और मैसेज कुछ भी हो सकता है, एरर या सक्सेस, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ही मैसेज लिख दिया है। अब हम लोग इस मैसेज में अभी वैल्यू डालेंगे नीचे। अब हम लोग एक चीज़ और बता देते हैं कि हमारा जो फॉर्म है उसकी क्लास फॉर्म है, और हमारे लोडर की क्लास थी लोडर, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और थोड़ा कुछ टॉगल वगैरह करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे हम चाहते हैं, जैसे मैं सबमिट करूँ यहाँ पे लोडर दिखे, लोडर दिखने के बाद हमारा जब रिक्वेस्ट आ जाए तो यहाँ पे सक्सेसफुल चीज़ें दिखें। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे रिक्वेस्ट ये देखिए, ये जो फंक्शन है रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो रिक्वेस्ट जैसे ही जाएगी उससे पहले ही मैं क्या करूँगा, अपने लोडर को ट्रू कर दूंगा, दैट मीन्स लोडर डॉट क्लास है, तो लोडर लोडर जो थी वो क्लास थी, तो मैं डॉट लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा लोडर, और इस लोडर को मैं शो कर दूंगा, तो लोडर दिखने लगेगा, लोडर का पूरा एचटीएमएल दिखने लगेगा, और मैं अपने फॉर्म को हाइड कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, तो मैं लिखूंगा फॉर्म, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूंगा हाइड, तो हमारा फॉर्म हाइड हो जाएगा। अब जैसे ही लाइन चलेगी, दैट मीन्स अभी रिक्वेस्ट नहीं गई है और लोडर स्टार्ट हो गया और आपका फॉर्म हाइड हो गया, रिक्वेस्ट जाएगी और जैसे सक्सेस होगा तो मैं इसका जस्ट अपोजिट करूंगा, दैट मीन्स अगर ये सक्सेस हो गया तो मैं क्या करूंगा, लोडर को हाइड कर दूंगा और फॉर्म को फिर से शो कर दूंगा, और एरर आई तब भी मैं क्या करूंगा, मैं लोडर को हाइड कर दूंगा और फॉर्म को फिर से शो कर दूंगा, सिंपल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैसेज, अभी हम लोग मैसेज पे भी काम करते हैं, बट आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया और फिर से मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा अपना ये वाला पेज, और मैं यहाँ पे कुछ नाम दूंगा, जैसे मैंने दिया अमित, और मैंने दिया कुछ पासवर्ड, और मैंने दिया ईमेल, ईमेल को मैंने यूनिक नहीं लगाया था, तो यूनिक लगा दोगे तो डुप्लीकेट सी नहीं होगी, बट अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रजिस्ट्रेशन सिर्फ देख रहे हैं, तो हम जैसे सबमिट करेंगे तो आप इस फॉर्म को देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सक्सेस हुआ, और थोड़ा सा लोडर भी दिखा था, लेकिन क्योंकि हम अभी लोकल उस पर काम कर रहे हैं, तो विद इन अ फ्रैक्शन क्या हुआ, रिक्वेस्ट गई और अब आ गई, लोडर दिखा पता नहीं चला। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर जब रिक्वेस्ट जा रही है सर्वलेट पे, तो मैं सर्वलेट पे कुछ 2-3 सेकेंड का पॉज दूंगा, जिससे कि यहाँ पे लोडर हमारा दिख पाएगा। तो हम चलेंगे सर्वलेट पे, और यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी, नेम को फेच करने से पहले, डिटेल को फेच करने से पहले, मैं यहाँ पे लगा दूंगा यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे ट्राई के अंदर डायरेक्ट लगाता हूँ यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप। इससे होगा क्या, मैं जो करंट थ्रेड चल रहा होगा उसको मैं 3 सेकेंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, जिससे कि जब
यहाँ पे ये चीज़ एक्सिक्यूट होगी तो ये वाला थ्रेड यहीं पे स्लीप करेगा 3 सेकंड के लिए, और हमें देना था मिली सेकेंड, तो मैंने 3000 मिली सेकेंड दे दिया, दैट मीन्स 3 सेकंड। तो इसके नीचे वाला सारा काम 3 सेकंड के बाद होगा। तो अब हम लोग करते हैं क्या, उसी को मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं रिवर्ट करता हूँ इस रिक्वेस्ट को, फिर से भेजता हूँ अपने सर्वर पे। जैसे मैं भेजूंगा तो देखिएगा आप, प्लीज़ वेट, सिंपल, अभी इधर रिस्पॉन्स आया नहीं। जैसे इधर से रिस्पॉन्स आया सक्सेस का, आपका फॉर्म फिर से विजिबल हो गया और लोडर फिर से हाइड हो गया, परफेक्ट। यहाँ पे आप फिर से सबमिट करेंगे, देखिए प्लीज़ वेट, और जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक ये लोडर दिखाएगा, और जैसे रिक्वेस्ट आ जाएगी ये सक्सेस आपको दिखा देगा। बट फिर भी अभी एक चीज़ यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे मैसेज नहीं दिख रहा है। और अगर आप डेटाबेस चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपने डेटा डाला है वो सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो आप ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो, एकदम परफेक्ट तरीका। इवन आप मानिए यहाँ पे कोई पेज रीलोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट सिर्फ रिक्वेस्ट जा रही है, सिंगल रिक्वेस्ट डेटा को लेकर के, और वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, और कोई भी आपको पूरा डेटा लोड नहीं करना दोबारा, ना पेज रिफ्रेश करना है, एक्स्ट्रा कोई भी कंटेंट लोड नहीं करना है। ये बेसिकली अजैक्स रिक्वेस्ट, इसी को कहते हैं। तो हम लोग मैसेज वाला भी काम कर लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे देखिए, जैसे ही उधर से मैसेज आएगा सक्सेस का, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में इतनी सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये सब चीज़ें मैं हटा दूँगा, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। और नीचे के भी जो चीज़ें प्रिंट हो रही थी, मैं इन सब चीज़ को हटा दूँगा, ये देखिए बॉडी, HTML, इन सब चीज़ को हटा दूँगा, और सिर्फ मैं प्रिंट कर दूँगा एरर या फिर सक्सेस, एरर या फिर सक्सेस। और इसको भी मैं हटा दूँगा, सिर्फ डन प्रिंट करूँगा यहाँ पे, डन, और कुछ नहीं प्रिंट हुआ है पेज पे। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो सिर्फ आपको इस बार डन दिखेगा, देखिए डन दिख रहा है, और सक्सेस तो ये यहाँ से दिख रहा है, ये सक्सेस आपके क्लाइंट एंड से दिख रहा है, यहाँ से सक्सेस दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सक्सेस आ रहा है तो सिंपली मैं चेक भी कर सकता हूँ कि क्या आया है भाई, सक्सेस आया है कि सक्सेस नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे आप इफ लगा सकते हो, देख सकते हो कि जो डेटा है उसको एक बार ट्रिम कर लो, कुछ आगे पीछे स्पेस रह गई तो उसको हटा दो, और चेक कर लो डबल इक्वल टू सक्सेस है, और अगर टाइप भी चेक करना चाह रहे हो तो एक इक्वल टू और लगा दो, दोनों स्ट्रिंग होगा तो ट्रू होगा, दैट मीन सक्सेस हो गया। या सक्सेस क्या, आपने तो वहाँ से डन प्रिंट किया है, तो आप यहाँ पे डन लिखो, क्योंकि आपने यहाँ से प्रिंट किया है डन, तो ये डन जाएगा वहाँ पे। तो अगर डन है दैट मीन सक्सेस हो गया, तो आप अपने मैसेज में तो मैसेज की आपने आईडी दी थी MSG शायद, हाँ MSG, और यहाँ पे इसके HTML में लिख दीजिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। और else इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई या एरर प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे एक ऐसे ही मैसेज, और समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर, तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाएगा ऑन सर्वर अगर कुछ दिक्कत होगी। और अगर यहाँ पे ये वाला फंक्शन चला तब भी हम यही मैसेज दे देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर, सिंपल। अब यहाँ पे आप कुछ मैसेज चेंज भी कर सकते हो, बट हम लोग क्या करेंगे, अब मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करके फिर से साइन अप करने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करने के बाद साइन अप करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से कुछ नाम दूंगा, जैसे मैंने दे दिया सोनम, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक पासवर्ड दे दीजिए ABC, और हमने कहा एक ईमेल दे देते हैं, और हम लोग फिर से सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं सबमिट क्लिक करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, कुछ चीज़ें हम लोग की कंडीशन कहीं गलत हो रही। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, फिर से हम इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली हुआ क्या है, फिर से हम रीचेक करेंगे, एक्चुअली हुआ क्या है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हाँ, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये देखिए हम और भी चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं प्रिंट करूँगा, सिर्फ डन प्रिंट करूँगा अपने सक्सेस पे, दैट मीन्स हम इस चीज़ को भी हटा देंगे, क्योंकि अगर ये भी प्रिंट कर दोगे तो ये ट्रू नहीं होगा। यहाँ से जो आप प्रिंट कर रहे हो डन, ये यहाँ सिर्फ इसको डन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं फिर से क्या करूँगा, अब मैं फिर से अपने सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड सक्सेस, सिर्फ डन वहाँ से सर्वर रिस्पॉन्स भेज रहा है।
और मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ, इस तरफ को सेंटर पे कर देता हूँ। तो आप आ जाइए अपने मैसेज वाले आईडी यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे यूज़ करिए क्लास सेंटर सेंटर अलाइन। तो आपका मैसेज दिखेगा सेंटर पे, आप कुछ यहाँ पे लीजिए, ईमेल ले लीजिए और फिर से सबमिट पे क्लिक करिए। ठीक है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और यहाँ पे आपका काम हो चुका है और आपका डेटा जो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं वो सारा डेटा आपके डेटाबेस में आता रहा है। ये परमानेंट स्टोरेज है, सर्वलेट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अपने डेटाबेस में। थोड़ा सा अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं इसको ग्रीन दिखाते हैं अगर सक्सेस है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको रेड दिखाते हैं। तो अभी हम प्रॉब्लम लाके भी दिखाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास, दो क्लास बना लूँगा, सक्सेस की और एरर की दो क्लासेस बना लूँगा। या आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर इसको ग्रीन करना है तो आप इसमें क्लास लगा दीजिए ग्रीन टेक्स्ट, तो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन टेक्स्ट अगर लगा देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, और रेड टेक्स्ट लगा देंगे तो रेड हो जाएगा। लेकिन हमें अगर यहीं पे मैं लिख दूंगा तो ये रेड ही रहेगा या ग्रीन रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, इफ़ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तभी मुझे वहाँ पे ग्रीन टेक्स्ट लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन में फिर से अपने मैसेज वाले एलिमेंट को पकड़ूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऐड ऐड क्लास, और मैं अपने क्लास का नाम लिख दूंगा ग्रीन डैश टेक्स्ट। एल्स अगर ये नहीं है तो मैं यहाँ पे ये वाला लिख दूंगा और यहाँ पे ग्रीन की जगह रेड कर दूंगा, तो ये क्लास ऐड कर देगा। और अदरवाइज अगर एरर आ जाती है, दैट मीन्स ये चल जाता है, तो इस केस में भी यहाँ पे रेड ऐड कर दूंगा। और मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करूँगा और फिर से साइन अप करने की कोशिश करूँगा, सबमिट क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया, दैट मीन्स, और ये ग्रीन कलर का आ रहा है क्योंकि ये क्लास ऐड हो गई है रन टाइम पे। जेक्वेरी ने, जेक्वेरी जो है वो बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये क्लास ऐड कर दिया है ग्रीन टेक्स्ट, तो ये ग्रीन कर दिया। अगर वो ये वाला कंडीशन चलेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो वो रेड कर देगा उसको। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हो, और ये मॉड्यूल अजैक्स बेस्ड था, दैट मीन्स आपको डेटा, आपको फिर से पेज को रीलोड नहीं करना है, आपको सिंपली इस क्लाइंट्स के एंड से सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजना है, सर्वलेट को चलाना है। सर्वलेट क्या करेगा, आपका डेटा निकालेगा, सेव कर देगा और आपको रिस्पॉन्स दे देगा। उसी रिस्पॉन्स को आप ले लीजिए और उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो सक्सेस है। अगर वो है तो आप सक्सेस वाला मैसेज दिखा दिए, अगर सक्सेस नहीं है तो आप फेलवेयर वाला मैसेज दिखा दिए। मैं आपको एक बार फिर से इसका डेमो लास्ट में दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने ये वाला मॉड्यूल अभी तक बनाया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग इसको सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।